और गर्मी के इन तीखे तेवरों से उदयपुर वासियों का भी हाल बेहाल है। पूरे प्रदेश के साथ साथ उदयपुर में भी इस तरह के हालात हैं। चाहे दिन हो या रात, हर वक्त तेज गर्मी से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पूरा प्रदेश इस वक्त झुलसा देने वाली सूरज की किरणों से तप रहा है। तापमान लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में झीलों की नगरी में भी गर्मी से लोग खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं, तो दुपहिया वाहन चालक मुंह और हाथों को ढककर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। भीषण गर्मी को लेकर लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता रवि मल्होत्रा ने, आप उसे भी देखिए। पूरे प्रदेश में गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है और झीलों की नगरी उदयपुर भी इससे अछूता नहीं है। उदयपुर में इस वक्त जो है यहाँ का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले हम 2 या 3 दिनों की बात करें तो तापमान जो है 38 से बढ़कर 42 तक भी पहुँचा है और आज के तापमान की हम बात करें तो इस वक्त हम चेटक चौराहे पर मौजूद हैं और सामने जहाँ पर तापमान के लिए आप देख पा रहे हैं, सामने जो जिस तरह से तापमान जाँचा जाता है वहाँ देखें आपकी इस वक्त 40 डिग्री का जो तापमान बताया जा रहा है और 40 डिग्री का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा होता है। आम लोग जिससे खासा प्रभावित हो रहे हैं, लोग अपने जो जरूरी काम है उन्हीं को करने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं और या फिर वो सुबह के वक्त में या फिर शाम के वक्त में घर से बाहर निकल रहे हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें गर्मी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि दिन में जब 11 बजे 12 बजे बाद से लेकर शाम की 4 बजे तक जो है धूप बहुत तेज होती है और लोग उस वक्त जो है खासा परेशान हो जाते हैं। उसके साथ ये कि हवाएं तो यहाँ पर चल रही है लेकिन हवाएं इतनी ज्यादा गर्म है कि उससे भी लोग खासा परेशान हो रहे हैं और लोग यहाँ पर निकल रहे हैं। आप कि मुंह पर जो है कपड़ा बांधकर पूरा अपने आप को ओढ़कर और ढककर निकल रहे हैं ताकि किसी भी तरह की गर्मी से वो यहाँ पर अपने आप को बचा सकें। महिलाएं हो चाहे पुरुष हो चाहे जो भी हो, सूरज देखें आप जो इस वक्त यहाँ पर है इतना तेज है, इसकी रोशनी जो है बहुत तेज आ रही है। और अगर हम बात करें मौसम वैज्ञानिकों की तो इस वक्त की जो कंडीशन चल रही है उसको सुपर इक्विनॉक्स कंडीशन कहा जाता है। जब सूरज और धरती जो है बिल्कुल आमने सामने हो जाते हैं तब इस तरह की कंडीशन बनती है और गर्मी का जोर जो सबसे ज्यादा रहता है और ये जो सुपर इक्विनॉक्स कंडीशन है वो अगले 6 या 7 दिन तक और बनी रहने वाली। और बताया जा रहा है कि जो मौसम वैज्ञानिक है उनके अनुसार अगर हम बात करें कि अगले 15 दिन में जो है इस तापमान में थोड़ी गिरावट होने की संभावना है। आप देखें कि चौराहे पर जितने भी लोग निकल रहे हैं इस वक्त यहाँ पर जो है वो गर्मी से बचाव के लिए पूरा साधन जो अपने साथ में रख रहे, चाहे वो मुँह पर कपड़ा बांधने की बात हो, अपने हाथों पर ग्लव्स की बात हो, तो इस तरह की जो अभी यहाँ पर गर्मी के हालात यहाँ पर तीखे बने हुए हैं और संभावनाएं जताई जा रही है कि अगले 15 दिनों में इस तापमान में थोड़ी सी गिरावट होने की आशंका है। उसके बाद जो आर्द्रता बढ़ेगी, अब देखने वाली बात ये होगी कि अप्रैल खत्म होने वाला है और अभी मई और जून में जो है उसके बाद गर्मी अपने और प्रकोप को बढ़ाती है या उसके बाद गर्मी में थोड़ी सी कमी आती है। कैमरामैन अभिषेक के साथ रवि मल्होत्रा, A1 TV।